अर्चनी वन्नी सन समाज धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं एवं भाई गामन एवं बबली, आप दोनों को नए जीवन की शुरुआत, नए ढंग से जीने की तरीका, एक अलग दुनिया बसाना है, इसी रूप में आशीर्वाद देने के लिए संतों का आगमन। आप सब के समक्ष मैं भी, आप सबका ही पुत्र आपके बीच में, आप लोगों से जो कुछ सीखा हूँ और जो कुछ मैंने अपने जीवन में देखा, वही बातें आप लोगों के पास पुनः कहने जा रहा हूँ। मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ खास गामन भाई और बबली के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए है, क्योंकि जीना सबको है और अच्छी जिंदगी सबको पसंद है, इसीलिए हमको नए ढंग से जीवन की शुरुआत करना चाहिए। आज नया जीवन सिर्फ दो का नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का नया जीवन है जो एक बेहतरीन जीवन आज से जीना प्रारंभ करते हैं। पुरानी जिंदगी तो सब जीते हैं, रो रो करके तो सब जीते हैं, एक दूसरे का शिकायत करके तो सब जीते हैं, कला हमें कल्पना में, राग में, द्वेष में तो सब जी रहे हैं, लेकिन एक नए जीवन का शुरुआत करते हैं वास्तव में उसके लिए एक नए जीवन है। आइए कुछ पल आप लोगों के बीच कुछ विचार। विवाह, विवाह का मतलब होता है विशिष्ट, वाह मतलब वहन करना, विशिष्ट ढंग से वहन करना, अच्छे ढंग से, विशिष्ट मतलब अच्छा होता है, अच्छा ढंग से हम संचालित करते हैं वह विवाह है। जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं और जीवन में प्रेम और माधुर्य बना रहता है, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं क्लेश नहीं, कहीं दुख नहीं, वह जीवन अच्छा जीवन कहलाता है। शादी न जाने एक वर्ष में कितने लाखों की शादियां होती है, लेकिन उस शादी में सफल व्यक्ति वह है जैसे शादी के दिन प्रेम था, जैसे शादी के दिन उत्साह था, जो मन में प्रसन्नता थी, वह प्रसन्नता अंत तक बना रहे, वह व्यक्ति का जीवन और उस व्यक्ति की शादी सफल शादी है। यदि शादी के बाद साल भर, दो साल बाद में प्रेम नहीं बना रहा, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं, एक दूसरे आमने सामने बैठ करके प्रेम से बात नहीं कर सकते हैं, मतलब उन्होंने जीवन की शुरुआत नहीं किया, बल्कि जीवन को एक शमशान घर बना दिया। शादी का मतलब इतना ही है, विवाह का मतलब इतना ही कि विशिष्ट ढंग से वहन करना। कितने लोग विशिष्ट ढंग से वहन करते हैं? हजारों की शादी होती है, आपस में पति और पत्नी लड़ते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, समय पार हो जाता है, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो जाते हैं, लेकिन पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, कैसी जिंदगी है फिर? आज आप लोग आए हैं, आप लोग गामन भाई और बबली जी को आशीर्वाद दे, और सब लोग आशीर्वाद ही देकर के ना जाए, बल्कि यहाँ से संतों का विचार लेकर के जाए, और आपके घर में भी ऐसी कोई शिकायतें हो, ऐसी कोई रुकावट हो, ऐसी कोई बातें हो जिससे आप प्रेम से नहीं जी पा रहे हैं, तो जीवन को आज से बदलने का प्रयास करिए। जितने लोग बैठे हैं, नए ढंग से समझो, आज शादी हमारी 40 साल 50 साल क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज से हम घर में एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे, एक घर में नया दुनिया बसाएंगे, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आप नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं, यहाँ से आशीर्वाद दे करके ही ना जाइए, बल्कि अपने जीवन में उसको आचरित करिए। शादी कर लेना ही उचित नहीं है, जीवन में वह जीवन सफल जीवन होता है
जो कि एक दूसरे में प्रेम बना रहे। आप देखे होंगे जितनी शादियां होती है आज, जिसके पास में जितनी भी औकात है उसके हिसाब से वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी होती है। उन वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी को सब लोग बड़े शौक से करते हैं, लेकिन उसको उस रोज देखना चाहिए जब आपस में पत्नी और पति और पत्नी में टकराहट हो तो दोनों एक टेबल पर एक जगह सोफे पर बैठ करके प्रेम से देखना चाहिए कि हमने एक दिन शादी किए थे, एक दूसरे के पर गले में हार डाले थे और जीवन को एक दूसरे के लिए समर्पित किए थे। क्या वो जीवन समर्पित जीवन आज है? और नहीं है तो क्या समाज में सिर्फ एक सील मोहर लगवाने के लिए हम शादी किए कि हम पति और पत्नी हैं? यदि आपको समाज ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद को आप जीवन में आचरित कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, और समाज से आशीर्वाद लेकर के भी सही ढंग से नहीं जी पाते हैं तो आप समाज से आशीर्वाद नहीं लेते हैं बल्कि आपको एक श्राप मिलता है समाज से। इतने समाज आपके आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं, और सौभाग्य की बात है मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। ऐसे तो हम लोग कम जा पाते हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग 2 महीना का प्रोग्राम है और यहाँ भानपुरी में प्रोग्राम चल रहा है, इसी बीच मुझे भी कहा गया तो आप लोगों के बीच आप लोगों से मैं भी आशीर्वाद लेने आ गया। जिनकी शादी हो लोग तो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आप सबसे मैं भी आशीर्वाद लेने आया हूँ कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उस मार्ग में आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और आप लोगों को ये भी कहने आया हूँ कि आप आशीर्वाद मुझको भी दें और साथ साथ मुझे जितना प्रेम से आप आशीर्वाद देते हैं, नवजीवन साथियों को आशीर्वाद देते हैं, उतने ही प्रेम से अपने जीवन में भी फॉलो करिए आप, तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। जीवन सिर्फ खाना पीना और जीना जीना नहीं है। खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, घर परिवार बढ़ा लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, इतना ही जीवन नहीं है। एक कटु बात है, यदि इतना ही जीवन है तो जानवर भी खाते हैं, कमाते हैं और जानवर भी बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो हम में और जानवर में अंतर नहीं है। बात कटु है, जीवन हकीकत में यह है कि हम जितना जीवन जीते जाते हैं उतना ही हमारे आपस का प्रेम बढ़ता चला जाए। प्रेम बढ़ता है या घटता है? प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। प्रेम ही जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है। आपको एक सूत्र दूं मैं, आप घर में रहते हैं, जैसे आप बिस्तर से उठते हैं एक ऐसी संपत्ति आपके पास होनी चाहिए जो संपत्ति बहुत बड़े बड़े लोगों के पास भी ना हो। कौन सी संपत्ति बताऊं? आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, आपका पैसा खत्म भी हो जाएगा, आपके पास उतनी हस्ती नहीं कि करोड़ों की संपत्ति आप इकट्ठा कर सके, लेकिन एक ऐसी संपत्ति आप कमा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं जो कि अरबों की संपत्ति उनके पास भी वो चीज नहीं है। वो कौन सी संपत्ति है? आप जैसे ही उठते हैं आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों से मिलते हैं आप, जिनसे भी आंखें मिलाते हैं, मुस्कुरा दीजिए। आपके यदि दुश्मन भी होंगे ना, वो भी सोचेंगे आदमी मुस्कुरा क्यों रहे हैं। मुस्कुराना एक ऐसी संपत्ति है जो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। मुस्कुराना सीखिए जीवन में। यदि मुस्कुराहट जीवन में नहीं है मतलब आपके जीवन में दुख है, और यदि जीवन से दुख की विदाई चाहते हैं तो मुस्कुराना सीखिए। बस जिनसे मिले, जिनसे आप मुलाकात हो, जिनसे आपकी सामना हो, जिनसे आपकी आंख लड़ जाए, आप मुस्कुरा दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन जीने का तरीका यही है। कुछ बात और कहूं, परिवार में पति और पत्नी ही परिवार नहीं होता है, परिवार में घर के सदस्य होते हैं, जहां माँ बाप, भाई बहन, ननंद भौज, देरान जेठान सारे लोग होते हैं, और उस बीच में जितना ही प्रेम का माहौल बनाते हैं वह घर स्वर्ग समान हो जाता है।
आप लोगों ने सुना होगा स्वर्ग कहीं ऊपर आकाश में है, लेकिन मैं आपको बताऊं स्वर्ग उस घर में है जिस घर में आपस में भाई 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 आपस में पति पत्नी देरान जेठान सब एक साथ मिल करके रात्रि का भोजन करते हैं, और भोजन के साथ साथ ईटिंग और मीटिंग आपस में एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं, वह घर स्वर्ग समान होता है। शादी कर लेने के बाद में पति और पत्नी अलग जिंदगी की जीवन शुरुआत कर देते हैं, वह सफल व्यक्ति नहीं होते हैं। जितने लोगों की शादी हो गई है और जिनकी नहीं हुई है और जिनके हो रही है वो सब सुन ले, यदि आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे को आपके माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है, माँ बाप का स्नेह नहीं मिलता है, मतलब उनके दादी दादा का स्नेह नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, वह बच्चा संस्कारित बच्चा नहीं हो सकता है। ये बात आप याद कर लीजिए, वह बच्चा संस्कारित होता है जिसके घर में माँ बाप हो, अपने दादा दादी के साथ रहते हो, अपने दादा दादी के साथ बातें करते हो, आपस में प्रेम से जीते हो, वह घर स्वर्ग समान हो जाता है। इसलिए नए जीवन के शुरुआत के साथ साथ ये कुछ बातें जीवन में बहुत ही जरूरी है। आप मैंने बीच में कहा कि मुस्कुराना सीखिए आप, यदि आपके दुश्मन है कोई उसको भी देख करके मुस्कुरा रहे ना, तो अगर बदलना चाहे तो अपने को बदल सकते हैं, और नहीं बदलना चाहेंगे तो गल सकते हैं। गलने के मतलब अब उनको खुद घुटन महसूस होगा, मेरी ही दुश्मन मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं, आप बदलिए तो पहले। आपको उद्देश्य लेकर के चलना है, जीवन को बदलना है बस। जितने लोग बैठे हैं आप किस मतपंथ को मानते हैं, किस संप्रदाय को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस गुरु से जुड़े हैं, किस भगवान से जुड़े हैं, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ जीवन जीने का तरीका ब्रह्मांड में पूरा हर मनुष्य का एक तरीका होता है, हर मनुष्य का एक ही तरीका है, प्रेम से जीवन जीना, इतना ही सूत्र है जीवन का। प्रेम से जीने के लिए पैसा वाले होने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, विद्वान होने की जरूरत नहीं है, प्रेम से जीने के लिए एक समझ बस पैदा करना है, और समझ पैदा सही कर लेते हैं तो प्रेम से जीने का तरीका आ जाता है। आपस में परिवार में खास पति के बाद में होती है सासू माँ। सासू माँ घर में जब तक है वो सासू माँ का रिश्ता, मुझे लगता है कि वो सासू माँ का रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो सासू माँ का रिश्ता खत्म करके वहां पर माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। यदि सासू माँ का रिश्ता है तो एक मर्यादा है, सासू का माँ का रिश्ता है तो वहां एक अदब है, तुम मेरी सास हो, मैं तुम्हारी बहू हूं, तुम्हारी माँ हूं, या जो भी, वो रिश्ता खत्म कर दीजिए। वहां पर जितना ही प्रेम से आप अपने बेटियों को प्यार देते हैं, यहाँ किसी, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी जाति पाति की बात नहीं होती है, यहाँ किसी गुरु की बात नहीं होती है, बस जीवन की बात कह रहा हूं मैं। आप जीवन में, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके घर में बहू है तो बहू का रिश्ता खत्म कर दीजिए, आप अपने घर के बहू को बेटी की तरह प्यार दीजिए, तो वास्तव में आपको भी वो माँ की तरह प्यार देगी। अधिकतम घरों में 99% घरों में लड़ाई होती है सास और बहू की, उसके बाद में देरान और जेठान का रिश्ता है उसको भी खत्म कर दीजिए, वहां रिश्ता लागू करिए बहन और दीदी का। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहां जब एक बहन को उनके ससुराल वाले लेने के लिए आते हैं कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमेशा देरान जेठान दोनों एक साथ जाती है, कभी अकेले नहीं जाती है। आपके ही समाज में ऐसे लोग हैं, देरान और जेठान हमेशा एक साथ जाती है। अब तीजा की बात आती है तो दोनों तरफ से तीजा लेने आते हैं, तो वहां भी 5 दिन वहां रहेंगे तो 5 दिन वहां रहेंगे, लेकिन जाएंगे एक साथ। इतना प्रेम जीवन में, क्या उसके घर तूतू मैं होगा? क्या उसके घर टकराहट होगी? क्या उसके घर नर्क का जीवन हो सकता है? ऐसे घर में स्वर्ग होता है। इसलिए आपस में
बेटी की तरह प्यार देने की बहुत ही जरूरत है। और बहनों से निवेदन करता हूँ कि अपनी सासू माँ को सासू माँ मत समझे, बल्कि आप माँ की तरह प्यार करिए। यदि माँ की तरह प्यार करते हैं तो आपको जैसे घर छोड़ आए हैं वो माँ की याद नहीं। आप अपने बहू को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि अपने नैहर का फोन नंबर मोबाइल नंबर भी भूल जाए। होता है, हुआ है, घटनाएं घट रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे चलता है जीवन। इतना प्यार दीजिए। यदि आपके बहू आप इतना प्यार देते हैं, कहीं भेजते हैं बेटी जाओ तुम्हारे माँ के यहाँ से हो जाओ होकर के आ जाओ, तो आपके माँ आपकी बहू आपको कहे नहीं माँ मुझे जाने का मन नहीं है यहाँ तक बोले, तो वास्तव में आप सफल व्यक्ति है। आप कहते नहीं बल्कि बहू पहले से तैयार रहती है, कब छुट्टी मिले तो कब 10 दिन घूम के आऊं, वहां भी जाते हैं। लेकिन इतना प्यार जरूरी है। छोटी छोटी बातों में शिकायतें नहीं होनी चाहिए जीवन में। प्रेम ही महत्वपूर्ण जीवन है। प्रेम किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं होता है, प्रेम एक समाज और संप्रदाय के लिए नहीं होता है, बल्कि प्रेम हर व्यक्ति के लिए होता है। प्रेम करने के लिए गरीब अमीर, विद्वान अविद्वान, अनपढ़ पढ़े लिखे किसी की जरूरत नहीं है। प्रेम हर व्यक्ति प्रेम कर सकता है तो अपने अंदर एक समझ पैदा कर सकता है। इसलिए प्रेम से जीने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण दूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं एक जगह की घटना है। एक जगह एक बहू अपने सासू माँ को बड़े प्यार से नहला रही थी, इतना प्यार से नहला रही थी, इतना स्नेह से गदगद होकर के नहला रही थी। बहुत जर्जरता की अवस्था थी वो माँ की, सासू माँ की इतनी जर्जरता की अवस्था थी, अपना हाथ नहीं उठा सकती थी, अपना पैर नहीं हिला सकती थी, ऊपर देख नहीं सकती थी, कुछ भी क्रियाकलाप उस पर नहीं था। लेकिन उस माँ को बहु बड़े प्यार से नहला रही थी। एक संत उधर से गुजरे और गुजरते हुए पूछे, बेटी ये तुम्हारे कौन है बड़े प्यार से नहला रहे हो? इतने में बहू कहती है, ये मेरे जीवन का बहुत बड़े सूत्रधार है संत जी। संत जी कहते हैं, आखिर कौन है, क्या तुम्हारी सासू माँ है? बहू कहती है, संत जी यह सासू माँ नहीं है, थी उनकी सासू माँ, लेकिन कहते हैं यह सासू माँ नहीं है बल्कि उससे बढ़ करके और है। इतना में संत जी कहते हैं, सासू माँ से घनिष्ठ रिश्ता तो या तो तुम्हारी माँ हो सकती है, क्या तुम्हारी माँ है? बहू कहती है, नहीं संत जी मेरी माँ भी नहीं है। सासू माँ और माँ से घनिष्ठ रिश्ता और क्या हो सकता है? इतने में बहू कहती है, संत जी जिसके कोख में मेरा सुहाग पला है वो उसकी माँ है। देखिए उसके शब्दों में क्या है, उसके अंदर भाव क्या है, वो बोल कैसे रहे हैं, उनकी मन में भावनाएं क्या है, कैसे प्रकट कर रहे हैं अपने मन के भावनाओं को, बड़े प्यार से नहला रहे हैं। वो कह सकती थी मेरी सासू माँ है, लेकिन वो कहती है, संत जी जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। इतना ही प्यार आपके घर में हो जाए तो आपके घर में स्वर्ग आ जाएगा। पैसे से स्वर्ग नहीं आते। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आपस में लड़ते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। पैसा से आदमी बड़ा नहीं होता है। यदि पैसा से बड़ा होता तो आप सब जानते हैं मैं इस परसुली ग्राम को छोड़ करके नहीं जाता, शायद मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ अपने ढंग से जी रहा था और वहां भी मैं बादशाहत की जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में महत्वपूर्ण कुछ तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीने का तरीका, आप कैसा जीते हैं। इसलिए आपस में इतना प्यार से जिए। और जितने लोग यहाँ आए हैं सभी लोग गामन भाई और बबली को आशीर्वाद देकर के जाए कि आपस में प्रेम इतना बनता रहे, इतना प्रेम रहे कि आपके जीवन में कभी टकराहट मत हो, आपके परिवार में एक निस्नेह का सौंदर्य का माधुर्य छाया हुआ हो, और वैसे ही आप आशीर्वाद दें और वैसे ही अपने जीवन में भी जीने का शुरुआत करें तो आपका भी जीवन बदल सकता है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।